KC4TV हाजिर है दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का काउंटडाउन। नंबर वन, ईशा मालविया ने की को-स्टार की इंसल्ट। आपको बता दें, ईशा मालविया और उजारिया एक्ट्रेस कमल ददालिया की लगातार चल रही है फाइट, जिसके बाद ईशा ने कमल की इंसल्ट की और लोगों का ईशा पर गुस्सा फूट पड़ा। नंबर टू, दलजीत कौर ने हटाया निखिल पटेल का टैटू। आपको बता दें, दलजीत कौर अपने पति निखिल पटेल से हो गई है अलग और अब अपने टैटू को भी मिटाने वाली है, जिसके बाद निखिल पटेल का रिएक्शन सामने आया और उन्होंने कहा, मैं तो ये काम ऑलरेडी कर चुका हूँ। नंबर थ्री, नागिन 7 से सना मकबूल का फोटो हुआ वायरल। नागिन 7 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में सना की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो नागिन लुक में नजर आ रही है। नंबर फोर, साकी दर राव ने शिवांगी खेडेकर से रिश्ते से किया इनकार। आपको बता दें, बिग बॉस OTT3 में आने के बाद साई और शिवांगी की रिलेशनशिप के चर्चे थे। इसके बाद साई ने भी इसे एक्सेप्ट किया था, लेकिन घर से बाहर आने के बाद ही साई के बदल गए बोल और अब वो कहते हुए नजर आए कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। नंबर फाइव, सना मकबूल के नाम बना शर्मनाक रिकॉर्ड। आपको बता दें, बिग बॉस OTT3 जीता सना मकबूल ने, उसके बाद वो लाइव आई, लेकिन उन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड बनाया सबसे कम लोगों के जुड़ने का। जी हाँ दोस्तों, जहां बिग बॉस विनर के लाखों में लोग जुड़ते हैं लाइव आने के बाद, ऐसे में सना की लाइव में सिर्फ 60,000 लोगों ने शिरकत की। नंबर सिक्स, आशीष केदार ने अरमान मलिक के लिए कही बड़ी बात। आपको बता दें, हाल ही में आशीष मेहरोत्रा से सवाल पूछा गया कि पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहे हैं अरमान मलिक, इसके बाद बिग बॉस में भी थे। ऐसे में आशीष का रिएक्शन सामने आया, उन्होंने कहा, पॉलीगैमी गलत है, बहुत ही गलत है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं था तो निकाल देते उसे शो से। नंबर सेवन, ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा को होगा महासंगम। आपको बता दें, जल्दी होने वाली है अरमान अभीरा की शादी। ऐसे में आपको देखने को मिलेगा अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है का महासंगम, जिसमें अनुपमा आएगी ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर। टीवी की ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।